पैरालिसिस निसंदेह एक बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका सूत्रपात हमें अपने वातावरण में ही आसानी से मिल जाता है। ये न्यू एज एक हमारे अभिशाप है मॉडर्न डे लिविंग का। हमने अपने एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाए हैं कि जहां पर हमारे पास अटैक पोजीशंस, टेरर पोजीशंस और जैम्ड एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझते हैं, इमोशनल इफेक्ट ऑफ पैरालिसिस, एंड दैट इज अ फियर, अ टेरर, अनचेंज्ड टेरर। यू आर जस्ट सो टेरिफाइड, सो फियरफुल टू द डीप ऑफ योर सेल्फ दैट यू जस्ट गॉट शॉक, अ पैरालिटिक इक्वेशन। यह पैरालिटिक इक्वेशन हमारे वातावरण के अंदर आती है जिस समय के ऊपर हमारे वातावरण के अंदर पॉइजन एरोज बनते हैं। पॉइजन एरोज आपके मेन गेट के ऊपर बने, पॉइजन एरोज आपके बेडरूम्स के अंदर बने, पॉइजन एरोज आपके ब्रह्मस्थाना के ऊपर बने, या आपकी बायोलाइन कहीं पर ब्रेक हो जाए। निसंदेह यह वातावरण आपको पैरालिटिक इक्वेशन पर लाएगा। सबसे ईजी बात देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट तो नहीं है, कहीं पर भी ईस्ट का सेक्टर आपके टॉयलेट के साथ जुड़ तो नहीं गया है। यदि ऐसा होगा तो निसंदेह यह आपके अंदर एक टेरर इक्वेशन को पैदा करेगा, पैरालिटिक इक्वेशन को पैदा करेगा। अगर आपका साउथ वेस्ट डाउन है, या आपका साउथ वेस्ट ओपन है, या आपके साउथ वेस्ट के अंदर पानी की टंकियां हैं, ये पैरालिसिस की दूसरी निशानी है। चेंज देम, दिस शुड नॉट बी देयर। पैरालिसिस की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आपका वह एरिया जिसका संबंध आपके वातावरण के साथ है, पैरालिसिस भी वहीं आएगा। सपोज द राइट साइड ऑफ योर एनवायरनमेंट, आप जिस जगह पर रह रहे हैं उसके सीधे हाथ के अंदर यदि ये इक्वेशंस हैं, पैरालिसिस आपकी राइट बॉडी में होगी। और अगर यही जैम ऑफ एनर्जी, यही टेरर आपके लेफ्ट की तरफ है आपके एनवायरनमेंट में, तो पैरालिसिस लेफ्ट की तरफ आएगी। और अगर भगवान ना करे ये इक्वेशन पीछे से आगे तक फ्लो करती है, तो बॉडी के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पैरालिसिस वेरियस अमाउंट्स और वेरियस पार्ट्स के अंदर होंगे। इस स्थिति को बड़ी ही साधारण और बहुत छोटी सी चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल फियर्स को रिलीज कीजिए। देखिए, आपको कहीं आपके किसी पड़ोसी से डर, जलन या ईर्ष्या तो नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि आपके नीचे फ्लैट्स में रहने वाले या ऊपर फ्लैट्स में रहने वाले, यानी आपके किसी भी वातावरण के अंदर आपको किसी भी ह्यूमन एंटिटी से कोई डर ना हो, आपकी साइट एक हॉन्टेड साइट ना हो। यदि आपकी हॉन्टेड साइट है तो इस साइट के ऊपर सबसे पहले स्पिरिट रिलीजमेंट कराइए। ये ध्यान रखने के बाद जब आपकी साइकोलॉजिकल टेरर्स और फियर्स आपके रिलीज हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ से पैरालिटिक इक्वेशंस भी रिलीज हो जाती हैं। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन फिर भी यदि आपका एनवायरनमेंट ब्लॉक्ड है, सन एनर्जीज वहाँ पर नहीं आती हैं, विंड एनर्जीज वहाँ पर फ्लो नहीं करती हैं, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जीज वहाँ पर नहीं है, ओपन टू स्काई आकाश तत्व वहाँ पर नहीं है, और आपके पास ये जैम एनर्जीज हैं आपके साइडवेज के अंदर, ये साइड बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। आपको एनर्जी बैलेंस कराना ही होगा, एनर्जी को सर्कुलेट करना ही होगा। यही एनर्जी की सर्कुलेशन आपको पैरालिटिक जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचा सकती है, निजात दिला सकती है।